हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। जिस अकॉर्डिंग ट्राइडेंट में आपको तेजी देखने को मिल रही है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसका टारगेट कितना जा सकता है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर नहीं। और यहां पे जो भयंकर तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे की जितनी भी वजह है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये शॉर्ट टर्म की तेजी है या फिर आपको लॉन्ग टर्म में इसमें भयंकर धमाका देखने को मिल सकता है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में, जो कि आपको ट्राइडेंट में देखने को मिला है। आज फिर से अगर आप देखोगे 5% का अपर सर्किट आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में देखने को मिल गया है, और जो शेयर है 33.95 रुपये, मतलब अगर हम लगभग एक अप्रोक्सीमेट प्राइस देखें तो 34 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिला है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। इतना बड़ा जो तेज़ी आया है उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप यहाँ पर BSE का डेटा देखोगे तो वॉल्यूम आपको कल के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक नज़र आएगा, क्योंकि कल मार्केट में ओपन होते ही आपको देखने को मिला कि ट्राइडेंट में अपर सर्किट लग गया, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर ख़रीदारी का मौका मिला और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वहीं मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊं NSE का, तो डिलीवरी परसेंटेज भी काफी अच्छी खासी है और जो वॉल्यूम है वो भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ओवरऑल आज का वॉल्यूम देखें तो कल के कंपैरिजन में काफी ठीक नजर आया है, क्योंकि कल खुलते ही अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट में अपर सर्किट लगा था, और आज अगर आप देखो एक थोड़ा सा डिप, उसके बाद फिर से शेयर में भयंकर तेजी और शेयर में आपको अपर सर्किट देखने को मिल गया है। तो ये तो रही कुछ कहानी आज की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इतनी भयंकर तेजी की क्या रीज़न निकल के आते हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो खबर निकल के आई थी कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने 52 वीक का हाई टच कर दिया है एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो कंपनी है वो अपनी पावर कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, सो डैट जो इनका पर डे का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। यूनिट्स वगैरह आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे, तो ये तो बहुत ही हद तक तय हो चुका है कि जिस अकॉर्डिंग एक्सपेंशन प्लान आपको देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट में, बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है कि जो ट्राइडेंट की रीच है वो आपको ऑल ओवर द इंडिया देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे ट्राइडेंट का नाम नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ ही टाइम में अगर आप देखो तो जो इनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है उससे तो यही लगता है कि बहुत ही जल्दी ओवरऑल इंडिया में इनका आपको नाम देखने को मिलेगा, और ट्राइडेंट एक बहुत बड़ी ऐसा इमर्जिंग कंपनी देखने को मिल सकती है। दूसरी जो खबर निकल के आई थी, जो कि इसकी तेजी के पीछे का रीजन बनी थी, आप यहां पर देख पाओगे कि ई कॉमर्स साइट माई ट्राइडेंट के साथ यहां पर टाई अप किया है ट्राइडेंट लिमिटेड ने, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे जो फेस्टिव ऑफर इन्होंने दिए अपने शेयर होल्डर्स को भी दिए हैं, और अगर आप देखोगे जो भी इनके जो ई स्टोर्स है, यानी कि आप इनके साइट पर जाके यहाँ पे अगर शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन कूपन कोड्स वगैरह या फिर आपको बहुत बेहतरीन डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये अगर आप देखो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था अपनी डिजिटली पहचान बनाने के लिए ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ से भी आप देखोगे जो पहली अपडेट बताई, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा है, सेकंड अपडेट बताई यानी कि कस्टमर बेस इंक्रीज किया जा रहा है, वो भी डिजिटली। तो हर एक पैरामीटर में अगर आप देखो ट्राइडेंट यहां पे काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, और यहां से आप देख सकते हो कि जो इनका रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, और जो यहां से इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक इंक्रीज होने वाला है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग है वो क्रिजिल की तरफ से इम्प्रूव कर दी गई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। जब भी कंपनी मार्केट में फंड रेजिंग करती है या फिर लोन के लिए अप्लाई करती है, तो सबसे बड़ी चीज़ या मेजर चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि जो कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या रेटिंग दी गई है, कौन सी पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। तो यहाँ पे क्रिजिल जैसी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दी गई है। तो तीनों ही पैरामीटर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के। और ESOP वाली न्यूज मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई है, जिसमें इन्होंने अपने जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था जो 2020 की एक स्कीम थी उसके अंडर, उनको एडिशनल शेयर यहां पे ट्राइडेंट की तरफ से दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो यहां पे बड़ी तेजी का रीजन बनते हुए नजर आ रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड में। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में कि क्या आपको सच में अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहां पे आप देखोगे 78% लोग बोल रहे हैं कि आपको अभी भी ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे जो भी आपको यहां पे 22% का जो रिमेनिंग बोर्ड्स हैं वो आपको होल्ड और सेल में देखने को मिल रहा है। जहां तक मेरी रिकमेंडेशन है, मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपने इसको 5 साल तक होल्ड कर लिया तो इजीली जो टारगेट है ट्राइडेंट का वो ₹500 टच हो सकता है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्रोडक्शन है, बिजनेस है और आगे के जो भी विजन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। आगे के 5 साल का अगर मैं टारगेट बताऊं तो आसपास अगर आप देखो तो 500 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश किया है तो मैं यहां पे आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी जो प्राइसिंग लेवल है वो 8 से 10-12 रुपए के आसपास है, अब जैसे कि यहां पे 34 रुपए के आसपास शेयर आ चुका है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया तो इजिली आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते। तो दोनों ही चीजें मैंने यहां पे आपको क्लियर की है, लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको बता दिया है, शॉर्ट टर्म में अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो आप इसमें इजीली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और साथ के साथ जब भी अगर आपको बाद में कभी मन करे और इसमें कोई करेक्शन मोड है वहां पे आप री एंट्री ले सकते हो। बाकी आप यहां पे ये देख पा रहे हो कि जो बायर्स हैं वो अभी भी, अगर आप देखो यहां पे इतने सारे बायर्स देखने को मिल रहे हैं, सेलर इसमें जीरो है क्योंकि इसमें अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है, तो बायर्स अभी भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि कल भी आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, हो सकता है ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको कल भी एक 5% का अपर सर्किट देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल यहां पे ये जो स्टॉक है इसने इतने बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं कि अगर आप यहां पे देख पाओगे पिछले 7 सेशन में ही इसने बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिए हैं, जो कि एक इसको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी स्टॉक बनाते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको यहां पे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बताया है कि आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना चाहिए, और जिसने भी मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ट्राइडेंट में निवेश किया होगा आज उनको बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।